स्वागत आप सभी का एक और वीडियो में। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश का आया है अपडेट और आपके थे कुछ सवाल, उन सभी की जानकारी, सवालों के जवाब देने का करूंगा पूरा प्रयास। और एडमिशन के सबमिशन ए फीस सबमिट की सूचना आ चुकी है, वेबसाइट पर जाइए देख लीजिए। और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और देखने के उपरांत अच्छी लगे बातें तो लाइक कर दीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मन में कोई शंका या सवाल पैदा हो तो कमेंट बॉक्स में उसको भी आप लिख सकते हैं। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है पीएचडी के लिए नामांकन हेतु और प्रतीक्षा कर रहे थे कब उनको फीस सबमिशन की या फीस सबमिट की सूचना मिलेगी, तो आपके कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़े तो एक कॉमन कमेंट था कि वहां के लोकल अखबारों में, खासकर कानपुर में, ये खबर पब्लिश हो रही है कि रिजल्ट आने के 5 या 7 दिन के बाद फीस को सबमिट करना है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कमेंट में ही कि अखबारों में आए हुए बयान से यूनिवर्सिटी नहीं चलती है। तो किसी भी सब्सक्राइबर ने मुझे कोई कटिंग नहीं भेजी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा, कोई ईमेल नहीं भेजा कि आपको कहीं ऐसी कोई जानकारी मिली हो। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताया आप लोगों ने कि खबर छपी है, आप मुझे खबर की लिंक देते, सूचनाएँ देते तो मैं उस पर एक नया वीडियो बनाता, क्योंकि कहने मात्र से हम विश्वास नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं जो भी आपसे बोलता हूँ उसका मैं लिंक आपको देता हूँ, सोर्स मैं आपको देता हूँ, जिसके कारण ही आप मेरी बातों पर विश्वास कर पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के मुझे मेल आए, उन्होंने अपने विभागाध्यक्ष से बातचीत की फ़ोन से, उनके हवाले से ये वीडियो बन रहा है, कुछ सूचनाएँ वेबसाइट ऐप पर आई हैं उसके हवाले से ये वीडियो बन रहा है। और साथ ही साथ में इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो भी सूचनाएं वेबसाइट पर मौजूद हैं 18 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर 2021 और समय है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 3:00 PM का, तो 18 अक्टूबर 2021 3:00 PM तक ही सूचनाएं जो आई हैं वेबसाइट पर उसी के आधार पर वीडियो बन रहा है। तो पहली सूचना ये है कि ऑनलाइन माध्यम से आपको अपने कोर्स की जो भी फीस है पीएचडी के लिए उसको सबमिट करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था मैंने आपको कहा था कि आपको ईमेल आया होगा या आने वाला होगा जिसके ऊपर आपको फीस सबमिशन की जानकारी दी जाएगी। तो अपना ईमेल आईडी आप लोग चेक कर लीजिएगा, या आपको आ चुका होगा, नहीं तो 19 तारीख जो कि कल है वो आपको आ जाएगा 100%। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में, जिनका चयन हुआ है वेटिंग लिस्ट में, जिनका नाम है उनको नहीं, जिनका चयन हुआ है वे सभी बच्चे अपना ईमेल आईडी चेक करें, उसके ऊपर लिंक आया होगा फॉर्म को, फीस को सबमिट करने का। यदि आपको मेल नहीं आया है तो यूनिवर्सिटी ने उसका भी विकल्प निकाला है, आप विभागाध्यक्ष से डायरेक्ट फ़ोन कीजिएगा, जिस भी विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है विभागाध्यक्ष के द्वारा आपको हो सकता है एक नया ईमेल दिया जाए, या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू एक नया लिंक जनरेट करके आपको वहाँ फीस सबमिट करने का मौका मिल जाएगा। और जो फीस सबमिट की जो स्टार्टिंग डेट है वह आज ही है 18 अक्टूबर, हो सकता है स्टार्ट हो चुकी हो फीस को सबमिट करना, या फिर हो सकता है 5:00 PM या 9:00 PM तक फीस सबमिट करना स्टार्ट हो जाए छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के लिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन, जहां ये रिजल्ट की कॉपी आपको मिलेगी पीडीएफ कॉपी, जो लिंक है उसी के फ्रंट पेज पर मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहीं पर एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल ग्रुप का, यूनिवर्सिटी का ही है टेलीग्राम चैनल ग्रुप का, उसको आप पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिएगा अपने डिवाइस में, चाहे लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे टैब है, या स्मार्टफोन है, वहाँ टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एडमिशन हो, कोर्स वर्क हो, फीस हो, क्लासेस हो, और यूनिवर्सिटी के आपके कोर्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है उस ग्रुप में सारी अपडेट रहती हैं, तो वहां से भी आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, आपको मेरे चैनल पर आने की, वेबसाइट पर जाने की, किसी के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको वहां मिलेगी, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप में यूनिवर्सिटी के अधिकारी लोग, बहुत से विभागाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक। अगली इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो वेटिंग लिस्ट में है, उससे पहले एक कॉमन सवाल लेते हैं। एक सवाल आया था, बड़ा अच्छा सवाल था कि सर हमने अप्लाई किया, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा रैंडमली, तो मान लीजिए हिंदी को चूज़ कर लेते हैं। तो एक कमेंट आया कि सर हिंदी में 80 से ज़्यादा सीटें थी, हिंदी विभाग में 80 से ज़्यादा सीटें थी, या फिर एक कमेंट आया पॉलिटिकल साइंस का कि सर पॉलिटिकल साइंस में 50 से ज़्यादा सीटें थी। तो हिंदी विभाग में जहां 80 से ज़्यादा सीटें थी, लगभग 35 या 40 या 45 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और पॉलिटिकल साइंस में जहां 50 या 55 सीटें थी वहां 30 से 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इतनी कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ है? मान लीजिए 50 सीटें हैं,
80 कैंडिडेट आए हैं, तो 50 में से 50 सीटों पर 80 कैंडिडेट आए हैं, तो मान लीजिए आपने 30 सीटें फुल कर दी, 20 सीटें खाली बची और कैंडिडेट आपके पास 50 हैं, तो वेटिंग लिस्ट में 50 बच्चों का नाम देना चाहिए था यूनिवर्सिटी को, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वेटिंग लिस्ट में 15, 20 या 30 बच्चों का नाम दिया है। तो इस सवाल के जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रिजल्ट की कॉपी को अटैच करिए और जो प्रोस्पेक्टर में सीट की घोषित निर्धारित आपको संख्या मालूम थी उसका कोई PDF हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, उसको अटैच कीजिए ईमेल आईडी में और विभागाध्यक्ष को, डीन को, रजिस्ट्रार को और यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक को ईमेल कर दीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके तुरंत बाद। क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी को बताएंगे नहीं, संज्ञान में लेकर नहीं आएंगे कि क्या उनके अनुसार गलत किया गया है और क्या आपको गलत लग रहा है परिणाम और मेरिट के आधार पर जो सूची आई उसको लेकर, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हो सकता है तब कोई नया नोटिफिकेशन आए कि वेटिंग लिस्ट में और बच्चों का नाम शामिल कर दिया जाए, तो ठीक है इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। तीसरी क्वायरी जो आई थी कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उनका एडमिशन कब से प्रारंभ होगा, अब देखिए आज यानी कि 18 अक्टूबर से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत दिन पहले आ गया है, लगभग नहीं तो 10 से 12 दिन पहले रिजल्ट आ गया, आपने भी देखा होगा, ठीक है, और एडमिशन अब स्टार्ट हो रहा है लगभग 12 दिन के बाद में, तो अगर 12 दिन के बाद में एडमिशन स्टार्ट हो रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट को, तो लगभग 7 दिन या 10 दिन तो मिलेंगे ही, तो मान के चलिए कि लगभग 25 या 27 अक्टूबर तक इनका एडमिशन चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में मान लीजिए किसी विभाग में 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और उन 10 में से 7 बच्चे ही फीस सबमिट कर पाते हैं, 8 बच्चे कर पाते हैं या 9 बच्चे कर पाते हैं, तो जितने बच्चे फीस सबमिट करेंगे उनका तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में यदि कोई कैंडिडेट फीस सबमिट नहीं कर पाता है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अधूरा पाया जाता है या गलत पाया जाता है, उस कंडीशन में सिलेक्टेड कैंडिडेट की सीट रद्द हो जाएगी और वह खाली हो जाएगी और वह सीट मिल जाएगी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को। एक सवाल आपके मन में फिर उठना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट में एडमिशन किस वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए 30 बच्चे हैं और सीट खाली हुई है एक या दो, तो उन एक या दो सीटों पर किस तरीके से वेटिंग लिस्ट वाले को एडमिशन वो है मिलेगा आपको मेरिट के आधार पर। आपने एंट्रेंस में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इंटरव्यू में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये सारी जानकारी आपको हो सकता है आपको ईमेल पर मिल जाए या आपकी वेबसाइट पर आया हो यूनिवर्सिटी की, या फिर हो सकता है आपको विभाग से मिल जाए, तो ये जानकारी आपको स्वयं लेनी होगी कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, एंट्रेंस रिकॉर्ड, इंटरव्यू रिकॉर्ड कितना बना है और आप मेरिट वेटिंग की लिस्ट में, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट आई है ना या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उसमें कोई नंबर वंबर स्टोर नहीं कर रहे हैं, खाली आपका यूनिवर्सिटी ने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया और सामने लिख दिया है सिलेक्टेड या फिर लिख दिया है वेटिंग लिस्ट, तो आपका स्कोर कितना रहा इसकी जानकारी जरूर लीजिए, विभागाध्यक्ष से, डीन से लीजिए, फैकल्टी से लीजिए, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका वेटिंग लिस्ट में भी क्या मेरिट के आधार पर रैंक आया है। मान लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट में पहला ही रैंक आया है और किसी विभाग में सीट 2 खाली है, तो यदि आपकी वेटिंग लिस्ट में नाम पहले नंबर पे है और उसके बावजूद भी यदि आपको वेटिंग लिस्ट वाली एक खाली सीट नहीं मिलती है, तब आप यूनिवर्सिटी पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम तभी करेंगे जब आपको यह मालूम होगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या रहा है, इंटरव्यू का, एंट्रेंस का और आपका यदि नेट JRF है वो, और दूसरा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में जो परसेंटेज होती है 10th के आधार पे या 12th के आधार पे, UG के आधार पे, PG के आधार पे, और कितना नंबर ऑफ परसेंटेज आपका आया होता है, तो ये सब आप मालूम करिएगा और कुछ आपको भी करना होगा। हर काम यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, YouTube नहीं करेगा, कुछ काम अप्लाई करने वाले स्टूडेंट को भी करना होगा। तो यही थे अपडेट जो आए थे वेबसाइट पर, मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया और ये जो फीस सबमिशन का लिंक है वो अपने ईमेल आईडी पर हो सकता है आपको आ गया होगा, और यूनिवर्सिटी का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन करिएगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, और अपने अपने विभागाध्यक्ष से जरूर संपर्क कीजिए और यदि कोई आपका मित्र वहां पढ़ता है तो वो भी संपर्क कीजिए। और एक और सूचना आई है उत्तर प्रदेश सरकार की UPSC IAS IPS की फ्री कोचिंग को लेकर, उसको लेकर भी एक वीडियो आपको मिलेगा कल या परसों की डेट में। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें से यह यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि टोटल 9 सेंटर हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी भी उसका एक रीजनल सेंटर बनाया गया जहां फ्री कोचिंग ले सकते हैं 6 से 9 महीने की। तो उसका क्या है प्रोसेस, क्या लास्ट डेट है, क्या फॉर्म है, कब एंट्रेंस होगा, क्या फीस वगैरह, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में या कहें कल की डेट में आपको प्राप्त होगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, परिवार के पास रहिएगा, पुस्तकों के पास रहिएगा, परिश्रम करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, परिणाम आपको मिल जाएगा और आपके अनुसार ही आपको प्राप्त होगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सलाम।